ब्रैड ने हाल ही में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड किया है और उसे वहां तीन खूबसूरत महिलाएं मिली। फियोना सैन फ्रांसिस्को से है और एक आर्ट डीलर है। वो इससे पहले कभी किसी सीरियस रिलेशन में नहीं थी, लेकिन अब वो सेटल होना चाहती है। मैरी एक वीगन योगा टीचर और ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट रखती है। उसे फ्रेंच चीज पसंद है और उसे पानी के किनारे सूरज ढलते हुए देखना अच्छा लगता है। बेटी एक फायर फाइटर है। अपने खाली समय में वो गाने लिखती है और अपने म्यूजिक बैंड के साथ उन्हें परफॉर्म भी करती है। ब्रैड को वो सभी पसंद है। क्या आप उसे सलाह दे सकते हैं कि उसे रियल ऑफलाइन डेट पर किसे बुलाना चाहिए? फियोना की प्रोफाइल में इस वेडिंग पिक्चर को देखें। वो दुल्हन है, लेकिन उसने दावा किया है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई है। मैरी भी झूठी है। वीगन लोग चीज नहीं खाते हैं, तो ब्रैड को बेटी को मिलने के लिए बुलाना चाहिए। जैसे ही बेटी को ब्रैड से टेक्स्ट मिला, वो तैयार होने के लिए बाथरूम में गई। उसने अपने बाल बनाए और कई लिपस्टिक निकाली। बेटी एक टॉम बॉय है, इसीलिए वो बहुत कम ही मेकअप का इस्तेमाल करती है। क्या आप डेट के लिए सही लिपस्टिक चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं? ये लिपस्टिक बहुत पुरानी है। तारीख को देखें, ये साल 1999 में बनाई गई थी और बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। इस लिपस्टिक के अंदर एक मकड़ी है। बेटी को दूसरी वाली चुननी चाहिए। इस बीच ब्रैड ने शावर लिया और अपनी फेवरेट व्हाइट शर्ट पहनने जा रहा था, लेकिन जब उसने शर्ट को अलमारी से बाहर निकाला तो उसने देखा कि किसी ने उस पर चॉकलेट का दाग लगा दिया था। ब्रैड ने अपने तीन भाइयों से इस बारे में पूछा। जिम ने कहा वो किचन में डिनर बना रहा था। वो उस दिन ब्रैड के कमरे में आया ही नहीं था। बिल ने कहा कि वो इस फोन के लिए चार्जर लेने के लिए करीब एक घंटे पहले ब्रैड के कमरे में आया था। और माइक ने कहा वो पूरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी करता रहा और अभी अभी घर लौटा है। कौन झूठ बोल रहा है? बिल, अगर उसने एक घंटे पहले चार्जर लिया था तो उसके फोन की बैटरी 1% ही क्यों बची है? ब्रैड ने अपने भाई बिल के साथ प्रैंक करने का सोचा और उसकी टी शर्ट में 2 छेद कर दिए। टी शर्ट में अब कितने छेद हैं? आठ। टी शर्ट में इन 2 छेदों को काटा गया है, इससे कुल 4 छेद हो जाते हैं। साथ ही साथ हाथों के लिए 2 छेद हैं, एक सिर के लिए और एक टी शर्ट के नीचे की तरफ है। बेटी और ब्रैड एक रेस्टोरेंट में मिले। एक पहली नजर में होने वाला प्यार था। एक वेटर आया और बोला, गुड इवनिंग, आप क्या खाना पसंद करेंगे? बेटी ने कहा, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लाल होता है, लेकिन ये कभी कभी हरा भी हो सकता है और कभी कभी ये पीला होता है। वेटर ने तुरंत उसकी पहेली को सुलझा लिया और उसके लिए वो खाना लाया जो उसने ऑर्डर किया था। वो क्या था? एक सेब। ब्रेड को ये खेल पसंद आया और उसने वेटर को एक और पहेली दी। ये लाल भी हो सकता है और हरा भी। ये काला हो सकता है और ये सफेद भी हो सकता है। ये दूसरी डिशेस के साथ बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अकेला नहीं। 1 मिनट में वेटर ब्रेड का ऑर्डर ले आया। क्या आपने पता लगा ही लिया कि ये क्या है? काली मिर्च। डिनर के बाद ब्रेड और बेटी पार्क में टहलने गए। वो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से खो गए। वे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगे और इस अजीब गरीब चौराहे पर आ गए। वहां 4 अलग अलग सड़कें थीं। हर सड़क पर एक साइन था, लेकिन साइन पर कोई शब्द नहीं थे। फिर भी ब्रेड और बेटी जानते थे कि कौन सा रास्ता लेना है। आप क्या कहते हैं? ये वाला, बस एक यही राइट हैंड है। 5 महीने बाद बेटी ब्रैड के साथ रहने लगी। वे दोनों ब्रैड के 3 भाइयों के साथ एक फैमिली हाउस शेयर कर रहे थे। एक दिन बेटी ने ब्रैड के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक नया लॉन्ग बोर्ड लिया। ये एक सरप्राइज था, इसीलिए उसने इसे बेसमेंट में लॉक कर दिया और डिनर के लिए कुछ ग्रोसरी खरीदने चली गई। जब वे लौटी तो लॉन्ग बोर्ड वहां नहीं था। उसे समझ आ गया कि 4 में से किसी एक ने उसके साथ प्रैंक किया है। ब्रैड ने कहा उसने कुछ भी नहीं देखा है।
जिम ने कहा कि उसने बेसमेंट से गुजरते हुए लॉन्गबोर्ड को देखा था, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग में पहुंचने के लिए जल्दी में था। माइक ने कहा वो नीचे था और उसने अपने साइंटिफिक क्लब के लिए कुकी बेक करने में सारा दिन बिता दिया। और बिल ने कहा वो एक बिजनेस ट्रिप पर था। इस मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के पीछे कौन है? जिम, बेटी ने कमरा लॉक कर दिया था, इसका मतलब है कि बिना अंदर घुसे वो लॉन्गबोर्ड नहीं देख सकता था। ब्रेड के भाई काम के बाद घर आए और किचन में ब्रेड से मिले। वो चिंतित था क्योंकि बेटी गायब थी। भाइयों ने उसे सब कुछ डिटेल में बताने के लिए कहा। ब्रेड ने कहा ठीक है, उसने आज सुबह मेरे लिए आइसक्रीम के साथ एक बर्थडे केक बनाया था, मैं उसे खाना चाहता था लेकिन उसने कहा कि हम इसे शाम को खाएंगे। हमने थोड़ी बहस की, फिर मैं काम पर चला गया। जब मैं वापस आया तो वो जा चुकी थी। भाइयों ने जैसे ही ब्रेड की कहानी सुनी उन्होंने उसे झूठा कहा। क्यों? उसने कहा कि बेटी ने ये केक सुबह बनाया था तो आइसक्रीम अभी तक पिघली क्यों नहीं? ब्रेड को केमिस्ट्री टीचर की नौकरी मिल गई। रुकिए, उसका पैसा किसने चुराया? ब्रेड को वॉलेट पर केवल एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले, उसके खुद के। उसने अपने तीन कलीग से पूछताछ की। मैथ टीचर जेनिफर ने कहा वो लंच कर रही थी। हिस्ट्री टीचर बेकी ने कहा कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैं जल्दी घर चली गई थी। और इंग्लिश टीचर सैम ने कहा कि वो अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स का होमवर्क चेक कर रहे थे। चोर कौन है? हिस्ट्री टीचर, उसने पैसे चुराने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें कूड़े में फेंक दिया। बेटी और ब्रेड दोनों सड़क पर जा रहे थे, अचानक वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी से मिले। उसने बताया कि वो एक जादूगर है और उसने पूछा क्या तुम लोग अमीर बनना चाहते हो? इस 3 डिजिट के कोड को क्रैक करो और सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। उसने उन्हें कागज पर लिखी इस पहेली के साथ एक भारी सूटकेस दिया जिसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक था A548। पहली लाइन में एक नंबर सही और सही जगह पर रखा गया है B530। दूसरी लाइन में कोई भी नंबर सही नहीं है C157। तीसरी लाइन में दो नंबर सही हैं लेकिन गलत जगहों पर है D806। चौथी लाइन में एक नंबर सही है लेकिन गलत जगह पर है E647। और पांचवी लाइन में एक नंबर सही है लेकिन गलत जगह पर है। क्या आप सही नंबर बताने में उनकी मदद कर सकते हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए आप अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान है स्टेटमेंट बी से शुरू करना। इनमें से कोई भी डिजिट सही नहीं है इसलिए हम 5, 3 और 0 को बाहर कर सकते हैं। स्टेटमेंट सी में हमें बताया गया है कि दो नंबर्स सही हैं लेकिन गलत जगहों पर हैं। हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 और 7 फाइनल कोड में है लेकिन हमें अभी भी इनका ऑर्डर नहीं पता है। आइए अब स्टेटमेंट डी और ई को देखते हैं। दोनों में एक नंबर सही है लेकिन गलत जगह पर है। हम पहले से ही जानते हैं कि कोड में 7 है, इसका मतलब है कि बची हुई डिजिट 6 नहीं हो सकती, फिर ये 8 होनी चाहिए। स्टेटमेंट ए को फिर से देखें, चूंकि सही नंबर 8 है इसे भी सही जगह पर रखा जाना चाहिए। स्टेटमेंट सी में हमारे पास 2 सही नंबर हैं लेकिन वे गलत जगहों पर हैं। चूंकि कोड में तीसरी पोजीशन पर पहले से ही 8 है, हमारे पास केवल एक ऑप्शन है, 7 पहले आना चाहिए और 1 दूसरा होना चाहिए, तब सही कोड है 718। ब्रेड और बेटी ने सूटकेस खोला, इसके अंदर $50 मिलियन थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और तुरंत वेकेशन पर चले गए। एक लंबी और थका देने वाली फ्लाइट के बाद उन्होंने एक फैंसी होटल में चेक इन किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। शाम को वो एक प्यारे से चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नीचे गए, लेकिन मेहमानों में एक इंसान नहीं है। क्या पहचान सकते हैं ये कौन है? इस आदमी की प्लेट पर करीब से नजर डालें, ये बिल्कुल भी इंसान के खाने जैसा नहीं दिखता है। जब बेटी और ब्रेड खाने के बाद अपने कमरे में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे पैसे और गैजेट्स गायब हो गए थे। होटल में सिक्योरिटी मैनेजर ने 3 मेहमानों से एक ही सवाल पूछा, पिछले 2 घंटों में आप क्या कर रहे थे? डैन ने कहा कि उसने पूरी शाम स्विमिंग पूल एरिया में बिताई थी। कॉर्टनी ने कहा कि वो अपने कमरे में अपने बेस्टीज के साथ थी और उसका चोरी से कोई लेना देना नहीं था। और हेनरी ने कहा कि वो अभी अभी एक पार्टी से लौटा है जो शहर के दूसरे हिस्से में थी।
चोर कौन है? कॉर्टनी, सिक्योरिटी मैनेजर ने किसी लूट का जिक्र नहीं किया, लेकिन वह तुरंत बहाने बनाने लगी। ब्रेड ने पैराशूट से कूदने का फैसला किया, लेकिन वो उतनी कामयाबी से लैंड नहीं कर पाया जितनी उसे उम्मीद थी। जैसे ही बेटी को एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वो हॉस्पिटल पहुंची। कमरे में उसने एक बेहोश आदमी को देखा जो पूरी तरह से पट्टियों में था। उसने वहां से गुजर रहे एक डॉक्टर से पूछा, सर प्लीज मुझे अंदर जाने दें, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लेकिन डॉक्टर ने उसे बताया कि वो पेशेंट एक महिला है। कौन सही है? ये एक पुरुष है, उसके बेड पर नाम का टैग देखें। ब्रेड बहुत जल्दी ठीक हो गया और बेटी उसे एक एंशिएंट कैसल की रोमांटिक ट्रिप पर ले गई। वे वहां घूम रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन अचानक सभी दरवाजे बंद हो गए, वो लोग अंदर ही फंस गए। ब्रेड को 4 डिजिट के कॉम्बिनेशन लॉक वाला एक दरवाजा मिला और बेटी को कागज का ये टुकड़ा फर्श पर पड़ा मिला। क्या आप उन लोगों को कोड क्रैक करने में और बचने में मदद कर सकते हैं? सही कोड है स्टॉप, STOP। सितंबर का पहला अक्षर S, अगस्त का छठा अक्षर T, अक्टूबर का पहला अक्षर O और अप्रैल का दूसरा अक्षर P को मिलाएं और आपको स्टॉप शब्द मिलेगा।